बन ही गए। एक दिन जियो के साथ देखते हैं। हम एक दिन वफाकी वजीरे इतलात कमरुज़मान कायरा से मिलने उनके घर पहुंचे। ये बताइए पीपल्स पार्टी में छोटे बड़े की तमीज कैसे की जाती है? हम यहाँ पे छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है उस तरह। पैरोडी के लिए मुख्तलिफ गेटअप करके दिखाए। ये तो आप तैरुल कादरी लग रहे हैं, अब तो आप मौलाना लग रहे हैं। ये बताएं जब किसी की नकल उतार लेते हैं ये जाती करिश्मा होता है या खूबी या दलेरी? जाती करिश्मा तो कोई नहीं है जी, यस दलेरी जरूर है। ये बताएं जब आप किसी की नकल उतारते हैं तो कौन बताता है कि आपने सही नकल उतारी या नहीं? 8-10 बंदे बैठ जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि क्या करें। सुना है आपने एफए करने के लिए गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर उनको पता चल गया कि आप लड़के हैं तो क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली मैंने एफए किए बगैर मुझे वहां से वापस आना पड़ा। उसके बाद हम वहां से निकल पड़े, दफ्तर में लोगों को पैरोडी करने के आसान तरीके बताए। हुकूमत सरकारी ओहदों पे रखने के लिए इतने नाअहल बंदे कैसे जमा कर लेती है? मुश्किल तो होता होगा ये फैसला करना कि कौन कौन सही नाअहल है। ये तो जी पार्टी लीडरशिप का काम है, वो फैसला करती है कि कौन हकदार है। शेख रशीद साहब की शादी में शिरकत की, जब मेहमानों को पता चला शादी के लिए अभी दुल्हन फाइनल नहीं हुई तो इन्होंने जाना शुरू कर दिया। शेख साहब अकेले शादी की रिहर्सल करते रहे, फिर उन्होंने चाय पिलाई। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने हमारे पल्ले से चाय पी और हमें भी पिलाई, फिर कबाब खाने बैठ गए। इसके बाद वहां लोगों को रहमान मलक के लतीफे सुनाए, फिर हुक्का पीने बैठ गए। भाई क्या ये हुक्का पीने के भी पैसे देने पड़ेंगे? जी ये कारा साहब ने रेंट पे लिया है। हमने सोचा हुक्के के पैसे भी हमें ना देने पड़ जाएं और हमने वहां से दौड़ लगा दी।